चलिए हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और पिछले लेक्चर में हमने प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों के बारे में पढ़ा जो पूर्वी घाट की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। आज के इस लेक्चर में हम प्रायद्वीपीय भारत की उन नदियों के बारे में बात करेंगे जो पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होती है। प्रायद्वीपीय भारत की वो नदियां जो पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होती है, इन नदियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये नदी जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अब आपको ये बात समझनी है कि पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती है। तो अगर आप भारत के इस पश्चिमी घाट के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि भारत में पश्चिमी घाट की जो ढाल है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा बहुत तेज है। तो तीव्र ढाल के कारण जब कोई नदी पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होती है तो बहुत तेज स्पीड से वो समुद्र में जाकर के मिल जाती है, और इस वजह से ये नदियाँ डेल्टाओं का निर्माण नहीं करती। इसके उलट जब हम पूर्वी घाट की नदियों की बात करते तो क्योंकि पूर्वी घाट में समुद्र की तरफ जाते जाते जो पूर्वी घाट की ढाल है वो पश्चिमी घाट की तुलना में थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से नदी को समुद्र तक जाते जाते थोड़ा एक अच्छा सा स्पेस मिल जाता है, और इस मैदानी क्षेत्र में ये नदियाँ बहुत सारी वितरिकाओं में वितरित होकर के और खूब सारे डेल्टाओं का निर्माण करती है। तो पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं वो अपनी तीव्र ढाल के कारण डेल्टाओं का निर्माण नहीं करती है। आज के इस लेक्चर में हम पश्चिमी घाट की ही उन नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम पश्चिमी घाट की नदियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होने वाली इन नदियों के लिए हम एक आउटलाइन अगर तैयार करें कि यहाँ हम पश्चिमी घाट की उन नदियों को ड्रॉ करेंगे, तो गुजरात राजस्थान से लेकर के और दक्षिण तक मध्य भारत में कुछ प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन पर्वत श्रृंखलाओं को मैं सबसे पहले बना देता हूँ। तो आपको पता है कि अरावली नाम की सबसे पहली पर्वत श्रृंखला है जो गुजरात से लेकर के राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। तो मध्य भारत की सबसे पहली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर जो है इसका नाम है अरावली, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। फिर हम अरावली से नीचे आए तो भारत को लगभग दो हिस्सों में विभाजित करने वाली ये हमारे पास दूसरी पर्वत श्रृंखला है, और इस पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, तो ये यहाँ पर विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल से नीचे आएंगे तो विंध्याचल के नीचे यहाँ पर सतपुड़ा की रेंज या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ये हमें दिखाई देती है। तो मध्य भारत में ये तीन सबसे चर्चित और सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं भारत की, अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, तीन सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। अब इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला, इसी अरावली पर्वत श्रृंखला में जब ये पर्वत राजस्थान के अंदर होता है तो राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है उसको स्नैक पीक कहते हैं, स्नैक पीक। तो अरावली की जो स्नैक पीक नाम की चोटी है वहां से पहली नदी निकलती है जो पश्चिमी घाट की तरफ फ्लो कर रही है, और ये नदी देखो आप पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होते होते और यहीं पर आकर के रुक जाती है। ये नदी ना तो अरब सागर में जाकर के गिरती है, और एक बार देखना ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच का ये जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं खंबात की खाड़ी। ये यहाँ पर खंबात की खाड़ी है और ये पूरा का पूरा जो रीजन है यहाँ पर स्थित है अरब सागर। तो सबसे पहली नदी जो पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित हो रही है ये नदी ना तो खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरी और ना ही इस नदी का पानी अरब सागर में जाकर के गिरा। इस नदी का नाम है लूनी नदी, लवणीय नदी है और अपने लवणपन के कारण ही इस नदी को लूनी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में मुख्यतया प्रवाहित होती है लूनी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला में स्नैक पीक से निकलने के बाद, और जिस स्थान पर यह नदी विलुप्त हो गई, खत्म हो गई, देखो यहां आकर के ये नदी गायब हो जाती है, इस पर्टिकुलर जगह को रन ऑफ कच्छ कहते हैं, कच्छ की रन, जो कि भारत का एक दलदलीय क्षेत्र है। तो लूनी नदी ना तो अरब सागर में जाकर के गिरी और ना ही खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरी, इसकी बजाय लूनी नदी जो है वो कच्छ की रन में जाकर के समाप्त हो जाती। कई बार प्रश्न भी आता है कि भारत की वो कौन सी नदी है जो अंतरवाहिनी है या जो विलुप्त हो जाती है, तो उस नदी का नाम क्या होता है, उसका नाम है लूनी। लूनी पहली नदी है जो पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होती है। अब अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर ही जब हम अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यही अरावली पर्वत श्रृंखला की तरफ से दूसरी नदी जो पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होती है और आकर के सीधा खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, इस नदी का नाम है साबरमती।
साबरमती, ठीक है, साबरमती पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे ऊपर लूनी है, लूनी के नीचे आएंगे तो वहां कौन सी नदी मिलेगी, साबरमती, जिसे भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक नदी माना जाता है साबरमती। अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली दूसरी नदी साबरमती, और कहां जाकर के गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। साबरमती नदी से हम नीचे की तरफ चलेंगे तो अब यहां पर विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला है, और ये विंध्याचल की जो पर्वत श्रृंखला है कुछ इस अलग अलग पार्ट में हमें दिखाई देती है, टूटे टूटे पार्ट में दिखाई देती है। तो मध्य प्रदेश के शुरुआती क्षेत्र में या मध्य क्षेत्र में जब विंध्याचल पर्वतमाला इस तरीके से विस्तारित है तो उसको विंध्याचल कहते हैं, और इसी पहाड़ी का एक पार्ट जब बिहार के रीजन में पहुंच जाता है तो यहां इसको बोलते हैं कैमूर की पहाड़ी, आगे जाके इसी को बोलते हैं पारसनाथ की पहाड़ी। तो इस विंध्याचल पर्वतमाला से जब हम नीचे आए तो विंध्याचल पर्वतमाला से निचले क्षेत्र में आते ही, अब समझना कि जैसे ही हम विंध्याचल पर्वतमाला से निचले क्षेत्र में आए तो मध्य प्रदेश के मेहंद झील से अब एक और नदी निकल रही है। मध्य प्रदेश में मेहंद झील से अब एक नदी निकलती है जो पहले मध्य प्रदेश में, फिर पहुंचती है राजस्थान में, राजस्थान के बाद ये नदी आती है गुजरात में, और गुजरात में आने के बाद ये नदी भी खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो साबरमती के नीचे ये नदी जो पश्चिमी घाट की तरफ आते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, इस नदी का नाम क्या है, तो इस नदी का नाम है माही। और आपको पता होगा कि माही नदी, आप देखो तो पहले ये नदी राजस्थान की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है, और फिर राजस्थान से जब गुजरात की तरफ नीचे की तरफ आती है तो एक बार ऊपर जाती है, एक बार नीचे आती है, इसलिए कर्क रेखा को दो बार कट कर लेती है, एक बार ऊपर जाते हुए और एक बार नीचे आती हुए, है ना। तो कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही। तो पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों में सबसे ऊपर लूनी है जो कच्छ की रन में समाप्त हो गई, फिर साबरमती है, और साबरमती के नीचे कौन सी नदी है, तो उस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी जो है ये खंबात की खाड़ी में आकर के गिर गई। अब आप आगे चलो तो देखो सतपुड़ा की ये जो रेंज है, सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं में ये जो मध्य वाला भाग है इसे महादेव की पहाड़ियां कहते हैं, और सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे इधर साइड में ये जो पर्वत श्रृंखला है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैकाल की पर्वत श्रृंखला, ठीक है। मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, अमरकंटक, और मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से अब अगली नदी है जो पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित हो रही है, और अमरकंटक से निकलने वाली इस नदी का नाम क्या है, तो फिर आंसर होगा नर्मदा है। ये कौन सी नदी निकली, नर्मदा। तो मध्य भारत में सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक नदी मानी जाती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम कहां से होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से, और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलने के बाद आपको दिख रहा होगा कि नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से प्रवाहित होती है। भारत की कौन सी नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से प्रवाहित होती है, तो उस नदी का नाम है नर्मदा। इससे पहले माही नदी जब हम बना रहे थे तो ध्यान रखना माही नाम की जो नदी है ना, इस नदी पर एक डैम बनाया गया है राजस्थान में जिसको बोलते हैं कडाणा डैम। कडाणा नाम का जो डैम है वो किस नदी पर बनाया गया, तब आपका आंसर क्या होगा, माही नदी पर, और आगे माही बजाज सागर भी उस पर बनाया गया। इससे नीचे हम आए तो आए नर्मदा नदी पर। नर्मदा मध्य भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। क्यों प्रसिद्ध है नर्मदा नदी, तो एक तो अपनी भ्रंश घाटियों के लिए, नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है वो भारत में सबसे ज्यादा गली अपर्दित क्षेत्र होता है, तो बड़ी बड़ी भ्रंश घाटियों का निर्माण करती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से प्रवाहित होने वाली ये जो नर्मदा नदी है, इस नर्मदा नदी पर, मैं इधर साइड में बना देता हूं, ये जो नर्मदा नदी है इस नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में दो प्रमुख जलप्रपात बने हुए हैं। एक को बोलते हैं कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा वॉटरफॉल, और दूसरे को बोलते हैं धुआंधार जलप्रपात। तो कपिल धारा तथा धुआंधार नाम के जो जलप्रपात है, वॉटरफॉल है, वो भी किस नदी पर बनाए गए हैं, तब आपका आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी पर ही ये दोनों के दोनों जलप्रपात बनाए गए हैं। और अपनी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए भी नर्मदा प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इंदिरा सागर परियोजना, मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, नर्मदा नदी पर। और आगे मध्य प्रदेश के बाद जब यह नदी पहुंचती है गुजरात में, तो गुजरात में इस पर सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है ना।
तो सरदार सरोवर तो बहुत चर्चित बांध है, सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर। और किस राज्य में है? तो फिर आंसर क्या होगा? गुजरात में है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना गया है। फिर हम सतपुड़ा रेंज से नीचे चलते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर ही सतपुड़ा रेंज के नीचे आकर के ये अगली नदी है जो पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित हो रही है। इस नदी का नाम क्या होता है? तो पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होने वाली इस नदी को ताप्ती के नाम से जाना जाता है, ताप्ती नदी। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलने वाली अगली नदी जो पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित हो रही है, इस नदी को किस नाम से जानते हैं? ताप्ती। ताप्ती प्रसिद्ध नदी है इसलिए क्योंकि ताप्ती नदी पर गुजरात में दो जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। ताप्ती नदी पर गुजरात में उकाई जल विद्युत परियोजना और काकरा पार जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। काकरा पार जल विद्युत परियोजना और उकाई जल विद्युत परियोजना दोनों की दोनों गुजरात राज्य में है। और किस नदी पर इन परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है? किया गया है ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी पर स्थित है उकाई जल विद्युत परियोजना और काकरा पार जल विद्युत परियोजना। और यहां पर आप ज्योग्राफी को थोड़ा ध्यान से समझो तो समझना जरा कि देखो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? नर्मदा। और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये देखो ये नर्मदा है ये ताप्ती है, दोनों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? सतपुड़ा। तो प्रश्न आते हैं कई बार कि नर्मदा और ताप्ती के बीच जल विभाजक का कार्य कौन करता है या कौन सा पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो आंसर क्या होगा? सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला। ठीक, फिर ताप्ती से नीचे आओ तो ताप्ती नदी से नीचे आएंगे तो पहुंचेंगे गोवा के कोंकण तट पर। और गोवा के कोंकण तट पर सबसे पहले पहली नदी जो कर्नाटक से निकल करके और गोवा के क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है पश्चिमी घाट की तरफ आने वाली, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है जुवारी। जुवारी नाम की ये नदी है, कर्नाटक के हेमद बारसद से निकलती है और ये यहाँ पर गोवा स्टेट है और गोवा में भी प्रवाहित होती है। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है जुवारी। जुवारी गोवा की सबसे ज्यादा लंबाई वाली नदी है। गोवा की सबसे ज्यादा लंबाई वाली नदी कौन सी है? जुवारी। जुवारी गोवा की सबसे ज्यादा लंबाई वाली नदी है। फिर जुवारी नदी के नीचे ही चलो तो कर्नाटक की तरफ से एक दूसरी नदी है जो पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। और पहले यह नदी कर्नाटक में आती है, उसके बाद गोवा से ही यह नदी अरब सागर में जाकर के गिरती है। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है मांडवी। और मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। गोवा की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? मांडवी नदी को, है ना। मांडवी नदी को ही गोवा की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। और मांडवी इसलिए भी फेमस है क्योंकि मांडवी नदी पर स्थित है प्रसिद्ध एक जलप्रपात। क्या जलप्रपात? मांडवी नदी पर स्थित है एक वाटरफॉल, यहां मैं लिख देता हूं, मांडवी नदी पर स्थित है दूध सागर जलप्रपात। और ये जो दूध सागर जलप्रपात है ये कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। किस नदी पर बना है दूध सागर जलप्रपात? तो दूध सागर जलप्रपात जो है वो मांडवी नदी पर बना है। मांडवी गोवा की जीवन रेखा कहलाती है और जुवारी गोवा की सबसे ज्यादा लंबाई वाली नदी है। अब आप देखो इस जुवारी और मांडवी नदी को आपस में कनेक्ट किया गया है एक नहर के द्वारा, एक कैनाल के द्वारा इन दोनों को कनेक्ट किया गया है। तो वो नहर जो गोवा में जुवारी नदी को मांडवी नदी से कनेक्ट करती है उसको कंबर जुवा नहर कहते हैं। कंबर जुवा नहर इसलिए बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहती है क्योंकि पश्चिमी घाट के इस कोंकण तट पर लौह अयस्कों के निष्कर्षण के लिए ये नहर बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब आप पानी का जहाज जो है ना वो सीधा इधर बीच में ले जा सकते हो, क्योंकि यहां देखो ये नदी है तो इस पे भी आप पानी का जहाज ले जा करके और इस बीच वाले क्षेत्र में भी पानी का जहाज आप ले जा सकते हो। तो जुवारी और मांडवी नदी को आपस में जोड़ने वाली जो नहर है उसे कंबर जुवा नहर के नाम से जाना जाता है। फिर मांडवी नदी से नीचे चलो तो हम कर्नाटक के तट पर पहुंचते हैं। और कर्नाटक तट पर जो नदी पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होती है प्रसिद्ध नदी है, इस नदी का नाम क्या है? तो कर्नाटक के तट पर जो नदी पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होती है इसे कहते हैं सरावती नदी। और सरावती नाम की ये नदी क्यों फेमस है? क्योंकि इस पर बना हुआ है एक फेमस जलप्रपात जिसका नाम है जोग जलप्रपात, जोग वाटरफॉल। किस राज्य में है जोग वाटरफॉल? कर्नाटक। जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बना है? सरावती नदी पर। और सरावती नदी भी पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी है। फिर हम कर्नाटक से नीचे उतरेंगे तो पहुंचेंगे केरला।
और फिर केरला की सबसे लंबी नदी भी पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होती है। केरल की इस सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? पेरियार है, पेरियार। और इस पेरियार नदी पर केरल में बनाया गया है कौन सा फेमस बांध? तो उसका नाम है इडुक्की बांध, इडुक्की डैम। इडुक्की बांध जो है वो किस नदी पर बना है? पेरियार नदी पर। पेरियार जल विद्युत परियोजना भी पेरियार नदी पर। ये केरल की सबसे ज्यादा लंबाई वाली नदी है और ये भी पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होती है। तो एक बार फटाफट से अगर हम देखें कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होती है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा एक साथ सारे के सारे चित्र बना लिए, तो आप एक बार देखो पश्चिमी घाट की तरफ प्रवाहित होने वाली पहली नदी, उसका नाम है लूनी। और लूनी एक अंतरवाहिनी है, यहां कच्छ की रन में विलुप्त हो जाती है। लूनी के बाद बोलो अगली नदी जो खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है, साबरमती। साबरमती, साबरमती के बाद पश्चिमी घाट की तरफ आते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिरने वाली नदी है माही। और कर्क रेखा को दो बार भी कौन काटती है? माही नदी। अगली नदी जो पश्चिमी घाट की तरफ आती है खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है नर्मदा, नर्मदा नदी। नर्मदा के ऊपर कौन सी पहाड़ी है? विंध्याचल। नीचे कौन सी है? सतपुड़ा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से कौन सी नदी जाती है? नर्मदा। नर्मदा के नीचे आओ तो अगली नदी जो पश्चिमी घाट की तरफ आ रही है उस नदी का नाम ताप्ती है। इस नदी का नाम ताप्ती है। नर्मदा नदी पर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया गया है? सरदार सरोवर किस राज्य में? गुजरात। और दूसरा इंदिरा सागर किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। दो जलप्रपात हैं धुआंधार और कपिल धारा। ताप्ती नदी पर उकाई और काकरापार दोनों गुजरात में है ताप्ती नदी पर। ताप्ती से नीचे आओ तो गोवा की सबसे ज्यादा लंबाई वाली नदी जुवारी। जुवारी से नीचे आओ तो गोवा की जीवन रेखा मांडवी। कंबर जुवा नहर दोनों को कनेक्ट कर रही है। मांडवी नदी पर कौन सा जलप्रपात है? दूध सागर जलप्रपात, बॉर्डर वाला जलप्रपात है। मांडवी के नीचे आए तो अगली नदी क्या नदी का नाम है? सरावती। और इस नदी पर कौन सा वाटरफॉल बना है? जोग वाटरफॉल। किस राज्य में है? कर्नाटक में। नीचे आप आए तो अगली नदी जो पश्चिमी घाट की तरफ आ रही है पेरियार। केरल की सबसे ज्यादा लंबाई वाली नदी पेरियार। और कौन सा बांध इस पर बनाया गया? इडुक्की बांध। पश्चिमी घाट की नदियों की विशेषता क्या है? कोई भी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है क्योंकि ढाल बहुत तीव्र है, तो ये नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बहुत जल्दी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो पूर्वी घाट की नदियों के साथ साथ हमारी पश्चिमी घाट की नदियां भी कवर हो गई। अगले लेक्चर में फिर इन नदियों पर बनाई गई जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे।